हिंदुस्तान के किसानों के की प्रगति के लिए लगातार भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के प्रयासों से लगातार प्रगति के रथों पर आगे बढ़ती जा रही है। आज उसी के संदर्भ में हिंदुस्तान के किसान जो कि हम बाजार अपना गेहूं, चावल, धान, मसूर, मूंग, चना इत्यादि का जो सामान होता था उसको अपनी स्थानीय मंडी में बेच पाते थे, दूसरी मंडी में जाते थे तो अधिक टैक्स हमको लगता था और मंडियों को सीमा का उल्लंघन करने पर प्रतिबंध था। आज हिंदुस्तान में ये कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर भारत एक है तो उसके तारतम्य में हिंदुस्तान की सरकार ने ऐसे नियम भी बनाए। अब भोपाल का फंदा का किसान जो है वो चाहे तो विदिशा की गल्ला मंडी में अपना माल बेच सकता है, विदिशा का किसान चाहे तो इंदौर की गल्ला मंडी में अपना माल बेच सकता है, इंदौर का किसान चाहे तो बंबई की गल्ला मंडी में अपना माल बेच सकता है, बंबई का आदमी दिल्ली में बेच सकता है, दिल्ली का आदमी चंडीगढ़ में बेच सकता है, चंडीगढ़ का आदमी हरियाणा में बेच सकता है, हरियाणा का आदमी पंजाब में बेच सकता है, आंध्र का आदमी बिहार में लाके बेच सकता है, बिहार का आदमी आंध्र में तेलुगु देशम में या और अन्य प्रदेशों में ले जाकर अपने सामान किसान बेच सकता है। एक दिशान, एक व्यापार, एक वाणिज्य नीति के तहत हिंदुस्तान के किसान की आय को दुगना करने का प्रयास जो भारत सरकार ने शुरू किया है उसके लिए मैं बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में लगातार प्रयत्न कर रही है, शिवराज जी की भी लगातार प्रयत्न जारी है। जो मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान में कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य कर विधेयक जो भारत सरकार ने मंजूर किया है उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। अब किसान अपने माल को जहां उसको उचित कीमत मिलती है वहां वो बेच सकता है और 3 दिन के अंदर खरीदार को उसके बिल का भुगतान करना पड़ेगा। अब किसान लूटेगा नहीं बल्कि किसान को लूटने वाले जेल के सीखों के अंदर होंगे। कृषि के हित में, किसान के हित में सरकार का बड़ा फैसला है। स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है नरेंद्र सिंह तोमर जी का, स्वागत है शिवराज सिंह चौहान जी।